शायद कहीं ना कहीं आसिम को अपनापन है, बिकॉज आसिम के साथ परी ने बहुत अच्छी दोस्ती शेयर की है। मैं हिमांशी के टच में हूँ, हिमांशी से बातें करता हूँ, उस मैसेज के बाद तो वो मतलब गाने भी गाते हुए घूम रहा है, बोलते ना कि फुल आशिक बन गया है। मैं किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकता हूँ और ये बहुत बड़ा इमोशन है उसके लिए। ओके, तो पराग पहले जानना चाहूंगी, फैमिली वीक से जाकर आए, परी को क्या अपने मन मुताबिक देख पाए या नहीं, पहले तो ये जानना। यार मेरे लिए तो पता है वहाँ पर मैं रुक भी जाता तो भी कम होता। लेकिन ऑफकोर्स बेगर्स कांट बी चूजर्स, जितना टाइम मिला बहुत ही मतलब बहुत क्वालिटी टाइम था हम दोनों के लिए, क्योंकि 76वें दिन हम दोनों मिले थे। मैं तो परी को फिर भी बिग बॉस पे देख लेता था, लेकिन परी ने मुझे 76वें दिन पहली बार देखा, तो वो दिख रहा था वो कितनी इमोशनल हो गई थी। और शुरू में तो हम दोनों एक दूसरे को मतलब बात ही नहीं हो रही थी, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे को, बस मैं आँख भर के देख तो ले यार, अभी 4 हफ्ते और बचे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बोलते ना कलेजे को ठंड पै गई। देखिए इस बार आप काफी मैसेजेस लेकर गए थे, काफी चीजें आपने की घर के अंदर, क्या कहेंगे कि मन आपको किस तरह से हल्का हो गया या फिर अभी? ऑफ कोर्स मन हल्का हुआ यार, बिकॉज मैं जब भी परी को देखता हूँ वहाँ पर, कोई जो मैंने आसिम को पहले बोला, शायद कहीं ना कहीं आसिम को अपनापन है, बिकॉज आसिम के साथ परी ने बहुत अच्छी दोस्ती शेयर की है। मैं हिमांशी के टच में हूँ, हिमांशी से बातें करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आसिम पे कहीं ना कहीं थोड़ा हक है मेरा। तो मैंने उनको बोला मेरे दिल में जो एज ए हस्बैंड जो मेरे अंदर है चीज़, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंसान अगर मेरे सामने खड़ा हुआ है, हमारा बहुत बार हुआ है, हम कहीं भी जाते हैं किसी ने कोई जरा सा कमेंट कर दिया तो मैंने तो एक्चुअली मारा है, ऐसी बात नहीं है, पर इन्होंने मुझे कसम वसम भी दी है कि नहीं आप क्या करते हो आप, बट ठीक है यार, मैं हस्बैंड, मुझे कोई भी बोल लेता तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको नहीं। तो डेफिनेटली, और अगर लोग बोल रहे हैं कि ग्रजीज हैं यार, ग्रजीज होते तो मैं उनको, उनकी लाइफ का मेरे ख्याल से शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेजेस था वो, जिसने उनको इतना खुश किया। अभी तक आसिम को कभी भी किसी ने बिग बॉस घर में इतना खुश नहीं देखा है, उस मैसेज के बाद तो वो मतलब गाने भी गाते हुए घूम रहा है, बोलते ना कि फुल आशिक बन गया है। एंड वो अपने इमोशंस को भी इजहार कर रहा है, क्या था ना, अभी तक शायद उन इमोशंस को दबा के रखे थे, उसको लगता था कि एक तरफा प्यार है, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे मौका मिला उस प्यार को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने का, जहाँ पर परी का हाथ था उन दोनों को करीब लाने में और उस सर्कल को कंप्लीट करने में, भगवान ने देखो मुझे चुना। ये देखा होगा कि आसिम इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन क्या लगता है आपके जाने के बाद इस बात पे मोहर लग गई या नहीं अभी? किस बात पे? कि शिफाली ने मिलाया था उन दोनों को, ये कहीं ना कहीं वो नहीं। हिमांशी तो खुद बोलती है कि यार मिलाने की बात नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हिमांशी भी घबराती थी उस टाइम पे, आसिम को ये था कि नहीं यार उसकी शादी पक्की हो चुकी है, तो परी हमेशा ये बोलती थी कि यार मैंने आप अनसीन देखा, मैंने भी देखा है अपनी आंखों से, कि वो हमेशा ये बोलती थी यार आप अपने दिल की फीलिंग तो बोल दो, बाकी कल को क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो मिलाने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आप उसको दोनों को पुश कर रहे हो, इट्स अबाउट यू नो उसको आपको मोटिवेट करना कि भाई आप जाके अपनी फीलिंग बोल दो, बाकी कल हो ना हो दैट सेकेंडरी, नहीं तो घर से निकलने के बाद आपको दुख होगा कि मैंने क्यों नहीं बोला। वो जिंदगी भर है ना कहीं हमें कुरेदती रहती चीज़ें, जो अनसीन अनदेखा में आज भी शायद होगा उसके अंदर लिखा, मैंने खुद देखा है उसमें। तो परी का ऐसे नहीं बोलूंगा कि मिलाने में यही हाथ था कि भाई हिमांशी को भी बोला, हिमांशी को भी मैंने देखा है सुनते हुए वहाँ पे कि नहीं हिमांशी नहीं मेरा एंगेजमेंट हो चुकी है, एंड शी वाज लिटिल स्केप्टिकल, पर ही फिर भी बोलती थी यार तू दोस्ती तो कि ठीक है तेरे को फीलिंग है, तू मेरा दोस्त है अच्छी तरह से, यू आर नॉट अ बैड बॉय, और उसको भी बोलती थी कि आसिम को किया तू मत सोच कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तू प्यार करता है ना बोल दे बस उसको एटलीस्ट। आपने जो मैसेज दिया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये आपने जानबूझकर किया ताकि वो शिफाली के साथ अच्छे से बॉन्ड क्रिएट। नहीं यार, शायद जो जिस भी इंसान ने ये वाली बात सोची होगी ना, आई थिंक उससे बहुत गलत सोच है, क्योंकि कोई भी, मैं कम से कम, आप मुझे कितने टाइम से जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो सब लोग, मैं किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकता हूँ और ये बहुत बड़ा इमोशन है उसके लिए। मुझे तो खुशी थी इस बात की कि मैं ये मैसेज दे पाया, तो प्लीज़ गाइस आप मत सोचिए कि ऐसा कभी भी मैं ही किया, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ऐसी बात कर पाता कि किसी के इमोशंस के साथ खेलने। नहीं, वो प्रोमो ऐसा एडिट किया गया था, आपने देखो प्रॉब्लम क्या है ना हमारे इंडिया के अंदर, हम लोग ना बहुत इंपेशेंट हैं, हम किसी को जो प्यार करते हैं ना तो जरा सी छोटी सी चीज़ को देख के है ना हमें ना बस पागल हो जाते हैं उस चीज़ को। मैं ये चाहता हूँ कि हाफ नॉलेज जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, पहले पूरा एपिसोड देखिए फिर उसके बाद आपको सोचना चाहिए किसी भी चीज़ में।